बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी पूर्व आईपीएस पंकज चौधरी का नामांकन खारिज होने के बाद से कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है और इसी को लेकर पार्टी के जिलाध्यक्ष नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और चौधरी को चुनाव लड़वाने की अनुमति मांगी है। आपको बता दें कि पंकज चौधरी को कुछ समय पूर्व ही सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया था और इसी का प्रमाण पत्र चौधरी ने नामांकन के दौरान संलग्न नहीं किया, जिसके चलते उनका नामांकन निर्वाचन विभाग ने खारिज कर दिया। हम यहाँ पर पंकज कुमार चौधरी के नामांकन रद्द होने के उपलक्ष्य में माननीय भारत निर्वाचन आयोग और आयोग निवेदन को हम ज्ञापन देने जा रहे हैं कि जिस प्रकार से 1 अप्रैल को उन्होंने आवेदन किया था अपने संबंधित प्रमाण पत्र को लेकर, जिस प्रमाण पत्र को लेकर भारत आयोग निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार आवत को अभी तक नियुक्ति नहीं दी और राज्य सरकार ने बाड़मेर कलेक्टर साहब ईडीओ को अभी तक ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया, जिसके कारण हम बहुजन समाज पार्टी पूरा रोष है और हम निर्वाचन आयोग से निवेदन करते हैं कि पंकज कुमार चौधरी का जो रद्द किया हुआ है उसको तुरंत बहाल करके हमें चुनाव लड़ने। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।